रांची में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों के हंगामे की खबर है। इंटरनल एग्जाम का ये बहिष्कार कर रहे हैं और छात्र धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे छात्र वाटर मैनेजमेंट के छात्र हैं, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो बड़ी खबर रांची से, जहां पर रांची में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सनी शारद हमसे जुड़ रहे हैं। सनी, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों ये छात्र हंगामा कर रहे हैं, क्या मांगे हैं इनकी? झारखंड ब्रांबे में है, वहाँ के वाटर मैनेजमेंट के स्टूडेंट पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन पर थे। वो धरने पर बैठे हैं और आज से उनका इंटरनल एग्जाम भी शुरू होना था, उसका उन्होंने बहिष्कार कर दिया है। वाटर मैनेजमेंट की पढ़ाई पहले से ही होती रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, लेकिन वहाँ से पढ़कर निकलने वाले छात्र का कहीं पर प्लेसमेंट नहीं होता। तो अब इन छात्रों की मांग है कि इन्हें सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाए, क्योंकि छात्रों ने जो बताया है विश्वविद्यालय प्रबंधन को कि कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ऐसी स्थिति होने पर दूसरी डिग्री दे सकती है। तो इनकी मांग है कि सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाए, ताकि इनका प्लेसमेंट और फिर इनका भविष्य अच्छा हो जाए। तो अब ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन और जो विश्वविद्यालय के वीसी है वो मानने से इनकार कर रहे हैं, और इसलिए इन्होंने इंटरनल एग्जाम का बहिष्कार किया है और धरने पर बैठे हुए हैं। शुक्रिया सनी शारद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रांची से खबर, जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र हंगामा कर रहे हैं, इंटरनल एग्जाम का बहिष्कार कर चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां पर अभी भी धरने पर बैठे हैं, और मैनेजमेंट के छात्र सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की मांग को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं।